माँ पूछते हैं, हे भारतवासी बच्चों, शत्रु में तो तुम तना सुखी, कितने सुखी, कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गए, नरक से चला गया ना, स्वर्ग गया मन, नरक की दुनिया से चला गया। तो समझना चाहिए कि भारत इस समय नरक है। जब कहते हैं स्वर्ग पधारा, तो कहां से स्वर्ग पधारा, नरक से स्वर्ग पधारा। लेकिन ये भक्ति मार्ग में तो सिर्फ कहावत कहावत होती है, न समझते हैं कि ये दुनिया नरक है और न समय और न ये समझते हैं कि स्वर्ग कहां है। वो तो ऐसे ही कह देते हैं, वास्तव में जानते तो है कि आत्मा सही छोड़ करके फिर से जन्म लेती है, कि कोई स्वर्ग में जाके जन्म लेती, नरक में मरेंगे तो जन्म कहाँ लेंगे, नरक और स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग में मर जाएंगे। मरने का मतलब क्या हुआ, मरने का मतलब ये हुआ सर्वविधि दुनिया में जो जीते भी मरते हैं वो ही शरीर रहते अनुभव कर सकते हैं कि हम स्वर्ग की दुनिया में बैठे, सर्वविधि स्वर्ग का अनुभव करेंगे, बाप के बच्चे का अनुभव करेंगे। अगर देह अभिमान से मरते नहीं है, इस देह और देह के संबंधों की दुनिया से अपने को मारा नहीं है, ये जीवित है, तो कभी भी कितना भी ज्ञान ले लें, लेकिन वो उनका ज्ञान रावण का ज्ञान हो जाएगा, अपने को सुख शांति में अनुभव नहीं कर सकते। कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाए, दुनिया की नजरों में चाहे भले ही कितने बड़े महारथी माने जाए, लेकिन अंदर से उनको सुख शांति होती है। भारत में कहावत है स्वर्ग पधारा, मर गया तो स्वर्ग पधारा, कहते हैं बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, तो कौन से मरने की बात है, शरीर से मरने की बात है क्या, शरीर से मरने वाला कोई स्वर्ग पधार नहीं सकता, कोई ग्रह नहीं, शरीर से मरने की बात नहीं है, क्योंकि अभी स्वर्ग है ही नहीं, ये दुनिया ही नरक है, दुखदायी दुनिया है, तो दुखदायी वातावरण में जो शरीर छोड़ेगा अंत मत होगी दुनिया, तो क्या करना चाहिए, अपना वाइब्रेशन ऐसा सतो प्रधान ज्ञानी को बनाना चाहिए, अपना वायुमंडल ऐसा क्षेत्र बनाना चाहिए जिसमें दुखों का नाम निशान प्रवेश न करे, कोई भले हमको दुख दे ले लेकिन हम दुख ग्रहण न करें, न दुख दो और न दुख ले, ऐसी स्टेज अपनी बनाई। ऐसा तभी हो सकता है जब हम अपने को आत्म देह अभिमान से